मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने वर्तमान में चल रही राजनीति पर चिंता जताई है। उन्होंने बयान देते हुए कहा कि पहले युवा नेता महंगाई, बेरोजगारी, किसान और मजदूरों की समस्याओं सहित अन्य जनहित के मुद्दों को लेकर राजनीति किया करते थे, लेकिन अब राजनीति में सिर्फ हिंदू मुसलमान ही बचा है। उन्होंने शिवराज सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मध्य प्रदेश बेरोजगार प्रदेश बन चुका है और प्रदेश में किसानों की हालत दयनीय है, लेकिन सरकार सिर्फ हिंदू मुसलमान में लगी है। भाजपा के लिए धर्म राजनीति के लिए है, जबकि कांग्रेस पार्टी के लिए धर्म आस्था और विश्वास का केंद्र है। इसके साथ ही उन्होंने देश में अजान और हनुमान चालीसा को लेकर चल रहे विवाद पर बयान देते हुए कहा कि भाजपा सरकार रामायण, महाभारत और हनुमान चालीसा के जरिए असल मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाना चाहती है। देश के अंदर राजनीतिक जो हालात के परिवर्तन, पहले राजनीति करने वाले नौजवानों का और लोगों का एक ध्येय हुआ करता था कि सरकार के खिलाफ लड़े तो कैसे लड़ेंगे, बेरोजगारी की क्या स्थिति है, रोजगार की क्या स्थिति है, किसान, गरीब, मजदूर, ये राजनीति के सिलेबस में हुआ करते थे। आज राजनीति का सिलेबस बदल चुका है। मुझे लगता है इसके अंदर हिंदू मुसलमान, अजान, हनुमान चालीसा, ये राजनीति के सिलेबस में हो चुकी है। मध्य प्रदेश बेरोजगारों का प्रदेश हो चुका है। संगठनों को इसकी चिंता होना चाहिए कि नौजवानों को रोजगार कैसे मिले, किसान को फसलों के दाम कैसे मिले और किसान की स्थिति कैसे सुधरे, इसके ऊपर काम होना चाहिए, ना कि हिंदू मुसलमान के ऊपर कहीं ना कहीं राजनीति करने का। स्पष्ट है इनके लिए धर्म राजनीति के लिए, जबकि हमारे लिए धर्म और आस्था और विश्वास का केंद्र है। मेरा आग्रह है कि हनुमान चालीसा का पाठ करें तो उसमें समझे भी सही कि उसमें लिखा है कि बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, वो जरूर पढ़े उस बात को, क्योंकि बल रावण में भी था तो वो सहार करता था और बल राम में भी था, उसके साथ बुद्धि विद्या और विवेक भी था तो वो लोगों के कल्याण का काम करते थे। मुझे लगता है इन्हें ना रामायण से मतलब है, ना राम से मतलब है, ना हनुमान चालीसा से मतलब है। कैसे इस देश के मूल मुद्दों से ध्यान भटकाए, इसके लिए ध्यान केंद्रित करने का काम कर रहे हैं। स्पष्ट है देश के अंदर कैसे अराजकता फैलाई जाए, कैसे लोगों को मूल मुद्दों से ध्यान हटाया जाए, पर जनता इन्हें जवाब देगी कि ये देश शांति का टापू है, इसे बिगाड़ने की कोशिश ना करें। और कहीं ना कहीं इस देश के अंदर जो हमारी सनातनी परंपरा है, जो इस देश की गंगी जमनी तहजीब है, उसे बचाने का काम करें, ना कि मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने। कौन लोग हैं जो ध्यान भटका रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि ये जो भी लोग हैं इनका मूल ध्येय क्या है कि राजनीति में आए हो तो आप मूल मुद्दों पे बात करना चाहिए। क्या ये बीजेपी का राजनीतिक एजेंडा है? देखिए, बीजेपी के पास एजेंडा ही नहीं। उन्होंने कहा था गैस की टंकी 400 पे डायन दिखती थी, 1000 पे वो विकास दिख रही है, पेट्रोल 50 पे इनको डीजल पेट्रोल महंगा दिखता था, 100 पे 120 हो गया इनको विकास दिख रहा। तो ये मूल मुद्दों पे बात नहीं करना चाहते। 2 करोड़ रोजगार की बात पे आए थे तो कैसे इससे ध्यान भटकाया जाए और कैसे लोगों में व्यवस्था फैलाई जाए। जनता समझदार है, कोई भी इस तरह की बातें नहीं होगी। स्पष्ट है, आपको हनुमान चालीसा पढ़े तो उसको पूरा उसका मंथन भी करें, राम जी का वो पढ़े तो उसको पढ़े, उसमें सीधे लिखा है कि अवध वहां जहां राम विराज है। और राम का भाव प्रेम के भाव से आएगा, कट्टरता नफरत के भाव से कभी नहीं आ सकता। इस भाव को समझने की कोशिश जरूर करें। भोपाल से EMS टीवी के लिए वीडियो जर्नलिस्ट देवेंद्र माली के साथ हेमंत माली की रिपोर्ट। EMS टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही EMS न्यूज ऐप डाउनलोड करें।